एक मिनट बेटा, क्या आंसर आना चाहिए? 10 सेकंड आना चाहिए। A thief car crosses a police car at t बराबर 0। The velocity time graph of thief car and police car is shown in the graph। अच्छा, VT graph दे रखा है। Yes। देखो वंशिका, VT graph में ये velocity जो thief की है वो constant है ना? Constant velocity है। और गाड़ी जो पुलिस की है वो लगातार accelerate हो रही है। तो ये VT graph है बेटा। आपको लग रहा है कि यहाँ क्रॉस हो रहे हैं graph, तो 10 सेकंड आंसर आना चाहिए, ये है ना? पर ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में VT ग्राफ है, तो आपको इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। उसने ट्रायंगल बना के दिया आपको, तो स्लोप होगा V अपॉन T 10/10, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो पुलिस की गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है। आप मान लो कि 10 T टाइम के बाद वो उसको कैच कर लेंगे, तो T टाइम में चोर कितने चलेंगे? चोरों की वेलोसिटी कितनी है? 10 कॉन्स्टेंट। तो 10 इंटू टी इज इक्वल टू यू टी जीरो हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर क्या होगा? ए वन, और टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर पता नहीं है हमें, तो इससे हम निकाल लेंगे 10t² इज इक्वल टू t² / 2। टी से टी, अच्छा 10t है बस, टी से टी स्क्वायर कैंसिल, तो टी आ जाएगा 20 सेकेंड। तो इसमें बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे? सबसे बड़ी बच्चे सोचेंगे यहाँ पर ये ग्राफ मैच कर रहा है तो इसका आंसर 10 सेकेंड आएगा। और उसने चालाकी करते हुए सबसे पहला आंसर भी क्या दिया है? 10 सेकेंड। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? 20। क्योंकि आपको पहले मानना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा, फिर आपको टी टाइम मानना पड़ेगा कि टी टाइम के बाद कैच कर लेगा, फिर आपको टी टाइम में चली गई चोरों की दूरी इज इक्वल टू टी टाइम में चली गई पुलिस की दूरी को इक्वल करना पड़ेगा, और तब आपको आंसर आएगा। है ना गड़बड़? यस सर। तो फंस जाएंगे बच्चे, और नीट के बच्चे होते हैं इमोशनल, और वो लगा लेंगे पहला आंसर। तो आप तो नहीं करोगे सर? चलो आगे सुनो। ये आकाश की सीट है क्या? लो भाई देखो बच्चे, आकाश बायजूस की शीट कर रहे हैं और मेरे से क्वेश्चन पूछ रही है। देख लो, मतलब टेस्ट सीरीज उनकी, वो डाउट नहीं बताते? बताते हैं। कैसे? वो तो वो उनको बताएंगे ना जिन्होंने ज्वाइन करा। अच्छा, ये एक टेस्ट सीरीज है बस। हाँ। चलो आप मुझसे पूछ सकती हो कोई भी, ठीक है? थैंक यू।